بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंड कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ये हर क्वेश्चन में आपको एक पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिया गया है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 ये आपके सामने है। पार्ट नंबर 1 में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, यानी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन को मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चेक करना ज़रूरी होता है। बेशक आप इसको किसी जगह मेंशन ना भी करें, सिर्फ जहन में इसको आप एक नज़र देख लें, इसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, तो ये ज़रूरी होगा। तो किस तरह चेक किया जाता है जी, इसका तरीक़ाकार प्रीवियस लेक्चर में आप सब बच्चों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया हुआ है। और उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखे जाते हैं, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं जी, 2 हैं। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखी जाती हैं जो कि 2 ही हैं। आप देखें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये आपने तरीक़ाकार देखना है। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपके सामने फार्मूला शो हो रहा है, उसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रो 1 कॉलम 1, रो 1 एंड कॉलम 1। ठीक है, अब रो 1 और कॉलम 1 हमने देखना होगा कि कहाँ पे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है हमारे पास रो 1 और इसी तरह ये है हमारे पास कॉलम 1। अब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी पहला एलिमेंट ये जो है पहला एलिमेंट पहले के साथ जबकि दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपने देखें लिख लिया 2x2 प्लस 3x3। ठीक है, तो आपने इस तरीके से रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2 to the 4 और 3 to the 9 हो जाएगा और 9 plus 4 ये आपके पास 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म किया। इसके बाद है फार्मूले में नेक्स्ट चीज है रो 1 कॉलम 2। अब हमने ये देखना है कि रो 1 तो यही है, ये हमारे पास रो 1 हमारे पास यही है, लेकिन जो कॉलम 1 है कॉलम 2 सॉरी वो ये है, ये कॉलम 2 है। ठीक है, अब हमने रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और तरीक़ाकार वही है, फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट यानी 2 into -1 ये लिखेंगे एंड सेकेंड एलिमेंट इनटू सेकेंड ये लिखेंगे। दरमियान में हमेशा देखें प्लस का साइन ही यूज होता है स्टार्ट में। अब देखें 2 1 -2 हो जाएगा और 3 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये -2 plus 0 -2 ही हो जाएगा। तो ये स्टेप भी हमने इसी तरीके से फॉलो कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अब फार्मूले में आगे अगर आप देखेंगे तो रो 2 कॉलम 1 है, ये आपके पास है जी, ये रो 2 है और इसी तरह ये हमारे पास कॉलम 1 है। अब हमने रो 2 को दोनों कॉलम्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखें फर्स्ट एलिमेंट इनटू फर्स्ट 1 into 2 और 1 into 3,
तो ये अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह लिखा गया है। इसके बाद 1 2 द 2 हो जाएगा और 1 3 द 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसी तरह इसी रो 2 को हमने कॉलम 2 के साथ अब मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक तीसरी रो भी मौजूद है। ये जो है ये आपके पास तीसरी रो है। अब आपने इस तीसरी रो को भी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब मैं थोड़ा आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए दोनों कॉलम्स को हाईलाइट नहीं कर रहा, जस्ट आप इसको जुबानी करने की कोशिश करें। देखें, ये जो आपके पास रो 3 है इसको पहले कॉलम 1 से करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 और वहां से फर्स्ट क्या होगा 2, तो ये 0 2, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड एलिमेंट इधर से उधर से भी सेकंड एलिमेंट 3 है, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आपने इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉलम 2 के साथ। फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट हो गया, सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड, ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो जो वैल्यूज आई हैं आप इनको प्लस या माइनस जो भी ये हो रहे हैं आप उनको परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यूं आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। 13 -2, 5 -1 एंड -6 एंड 0। तो ये स्टूडेंट था आपका पार्ट नंबर 1, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में भी आप देखें कि फर्स्ट मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और ये आपके पास इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। इसको हम जिस पैटर्न पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो पैटर्न या वो फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जिस जिस तरीके से ये फॉलो हो रहा है, जो जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, बस स्टेप टू स्टेप आप उसी को देखते जाएंगे। जैसा कि आप देखें, सबसे पहले रो 1 और कॉलम 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने रो 1 लेनी है यहाँ से, ये हमने रो 1 ले ली, और इसी तरह यहाँ से हमने लेना है कॉलम 1। अब आप ये देख सकते हैं कि रो 1 में और कॉलम 1 में 2-2 एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि 3-3 है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2-2 एलिमेंट्स थे, लेकिन इसमें 3-3 है। लेकिन आपको पता है कि पैटर्न वही है, पैटर्न के मुताबिक हम चलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड, ठीक है। वही वाला जो तरीकाकार है उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट हो गया, प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड, प्लस थर्ड इंटू थर्ड, इसी तरीके से। उसके बाद अब हमने ऐसे करना है कि इसी रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास कॉलम 2 आ गया। तो अब आप देखें, इनका भी जो जो एलिमेंट्स हैं उनको इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर रो 2 की बारी होगी, फार्मूले में आप देखते जाएं साथ साथ, ठीक है। रो 2 कॉलम 1, फिर रो 2 कॉलम 2, तो ये उसी के हिसाब से आप सारे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके जो जो वैल्यूज बनती जाएंगी यहाँ लिखें। अब आप इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, 1 + 6 7 होता है और 7 - 3 4 हो जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 3 13, फिर 4 + 15 19 होता है, 19 - 6 13 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर बी आ जाएगा। पार्ट नंबर सी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर सी में आप ये देखें, दोनों मैट्रिसेस आपको अगेन दिए हुए, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न जो है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप ये ओवरव्यू उसका देख सकते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखें। सबसे पहले रो 1 इंटू कॉलम 1 है, फिर रो 1, फिर कॉलम 2, फिर रो 1 को कॉलम 3 से, यानी कि रो 1 जो है वो सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसी रो को सबसे पहले कॉलम 1 से, फिर इसी रो को कॉलम 2 से, फिर इसी रो को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस रो की टर्न ख़त्म हो जाती है तो फिर हम अगली रो पे आ जाते हैं, नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, फिर ये रो पहले कॉलम 1 से, फिर ये कॉलम 2 से, फिर यही कॉलम 3 से भी, ठीक है। तो यही पैटर्न फिर रो 3 के साथ भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है।
आपकी हेल्प के लिए ये फार्मूला भी सामने दिया गया है, आप इस फार्मूले की मदद से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी पे, ठीक है जी। पार्ट नंबर डी को अगर आप देखें तो इसमें ये एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो रोज और दो कॉलम है इसमें। ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी दो रोज और दो ही कॉलम है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि फार्मूला फिर आपके सामने शो हो गया। इसमें आप देखें R1C1, R1C2, फिर R2C1 एंड R2C2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब आपने देखा, अब इस फार्मूले को हमने फॉलो करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक खास बात जिस पे हमने ज्यादा तवज्जो देनी है वो है कि ये जो ओवर में वैल्यू आ रही है इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो बेटा जैसे आपको मैंने अभी अब बताया कि सबसे पहले हम रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम वन है तो इसको 8 को 2 से 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद फिर रो वन को ही किसके साथ, कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखें 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, तो एज इट इज हमने लिख दिया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है 5 × 4। अच्छा अब इसको देखिए आगे किस तरह सॉल्व किया गया है कि ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है जी, ठीक है। ये जो 2 है, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, ठीक है बेटा, ये 2 4s are 8। फिर 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -20 आ जाएगा, ये -20 आपके सामने। इसी तरह जब ये नीचे आप सारा स्टेप फॉलो करके यहाँ तक पहुंचेंगे तो इधर ये 2 भी कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है। और ये 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन भी है, -15 आ जाएगा, और आगे 4 4 16। तो ये आपके पास ये फुल इसका आंसर आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर डी। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई, ये भी आपके सामने मौजूद है तो आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा जुबानी, और उसके बाद अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हेल्प के तौर पे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही अब हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।